Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome all the viewers in the first part of lecture 12, that is about quick parts in MS Word 2007. Before moving towards this video, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. Last video mein hum text group ko padh rahe the, jisme humne text box, word art, drop cap, signature line, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट को कवर किया। इस वीडियो में हम क्विक पार्ट्स को पढ़ेंगे। क्विक पार्ट्स की तरफ जाने से पहले हम एक रिसर्च पेपर को समझ लेते हैं। आप स्क्रीन में एक रिसर्च पेपर देख रहे हैं, इसमें ये एरिया जो आपको नजर आ रहा है हाईलाइटेड, ये रिसर्च पेपर का टाइटल कहलाता है, और ये एरिया जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है ये ऑथर्स हैं, जबकि ये ऑथर्स का ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा आप रिसर्च पेपर में टॉप पर एक लाइन देख रहे हैं जो कि हाईलाइट की है मैंने, इसमें IEEE ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जबकि पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग जो मैंने हाईलाइट किया है ये सब्जेक्ट एरिया है। अगर आप मजीद देखें नीचे तो आपको ये पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, ये रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च पेपर। तो आप देख सकते हैं इस पूरे रिसर्च पेपर में, पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ पार्ट्स हैं। इसी तरह इस किस्म के पार्ट्स हम एमएस वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में क्रिएट करने के लिए आपने क्विक पार्ट्स में आना है। क्विक पार्ट्स में सबसे पहली कमांड है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि तमाम पार्ट्स मौजूद हैं जिन्हें आप एक बार सेट करके रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने डॉक्यूमेंट में एब्स्ट्रैक्ट इंसर्ट करता हूं तो मैं एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट इंसर्ट हो जाएगा। सिंपली आपने इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। मैं यहीं से एक कॉपी करके ले आता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो चुका है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑथर। मैंने ऑथर पे क्लिक किया तो ऑथर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। इसी तरह मैं एक और इंसर्ट करता हूं प्रॉपर्टी, ये मैं सब्जेक्ट के बारे में कर लेता हूं, सब्जेक्ट, और यहाँ मैं वही लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने तीन प्रॉपर्टीज इंसर्ट की हैं। पहली प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट की है, सेकंड ऑथर, और थर्ड सब्जेक्ट की, और ये तमाम प्रॉपर्टीज मैं सेट कर चुका हूँ। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में इसे रीयूज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आऊंगा और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा। जैसा कि मैं यहाँ दोबारा सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो मैंने पहले सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट की थी वही इंसर्ट हो रही है। यहाँ बोलने का मकसद ये है कि एक बार सेट की हुई प्रॉपर्टी को आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, आपको दोबारा वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्यूमेंट के इस हिस्से तक पहुँचते हैं टाइप करके और आपको यहाँ फिर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है लिखना, तो आप बजाय इसके कि दोबारा इसे टाइप करें, आप सिंपली इंसर्ट में आएंगे, क्विक पार्ट्स में आएंगे और यहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो सब्जेक्ट आपने पहले सेट किया होगा वो दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। सेकंड ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आप मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, जिन्हें आप रीयूज कर सकते हैं और आपको दोबारा से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में आता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑलरेडी बिल्ट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं। आप इन्हें रीयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कवर पेज चाहिए तो आप कवर पेज पे आए और यहाँ से इंसर्ट करें, कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा। आपको जो बिल्डिंग ब्लॉक रिक्वायर्ड हो आप क्विक पार्ट्स में आकर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में आकर बिल्ट इन में पड़े हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स को रीयूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं जो कि एक टेबल पर मुश्तमिल होगा और इस टेबल में 5 कॉलम्स होंगे और 5 रोज होंगे। तो चलते हैं टेबल की तरफ, टेबल विद 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें 5 कॉलम्स और 5 रोज होंगी। अभी आप इस टेबल को बिल्डिंग ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्विक पार्ट्स में आना है और यहाँ सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
आपने यहाँ नेम दे देना है जो बिल्डिंग ब्लॉक आप क्रिएट करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं से टेबल विद 5 columns and 5 rows देता हूँ. इस बिल्डिंग ब्लॉक को आपने किस गैलरी में सेव करना है, तो आप यहाँ से टेबल की गैलरी सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये टेबल है. आपने इसे किस कैटेगरी में सेव करना है, बिल्ट इन में या जनरल में, तो आपकी मर्जी है इसे बिल्ट इन में करें या जनरल में करें. तो हम इसे जनरल में करते हैं और ओके प्रेस करते हैं. अभी ये टेबल जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक में ऐड हो चुका है. अभी हम इसे रीयूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्विक पार्ट्स में आएंगे और यहाँ से हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आपने सर्च करना है जो आपने बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट किया था. हमने टेबल विद 5 columns and 5 rows के नाम सेव किया था, तो उसे हम सर्च करते हैं. हम टेबल सेक्शन में आ जाते हैं. गैलरी में आप जैसा कि देख रहे हैं हेडर पेज नंबर, तो आपको याद है कि हमने इसे टेबल की गैलरी में सेव किया था. तो हम टेबल गैलरी में आते हैं. टेबल गैलरी में हमने इसे जनरल में सेव किया था, तो हम जनरल में आते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारे सामने टेबल विद 5 columns and 5 rows आ चुका है, जो कि टेबल और जनरल की कैटेगरी में सेव किया हुआ है. अभी मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा. क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा. इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो टेबल हमने बिल्डिंग ब्लॉक की सूरत में बनाया था वो इंसर्ट हो चुका है और हम उसे रीयूज कर सकते हैं. अगर आप कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं तो अब न्यू फाइल में भी इसी बिल्डिंग ब्लॉक को रीयूज कर सकते हैं. तो क्विक पार्ट्स में आकर आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में आना है और यहाँ से आपने सर्च करना है टेबल की गैलरी. टेबल की गैलरी में आपको स्क्रीन में नजर आएगा टेबल विद 5 columns and rows. इसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, तो आप इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट करें. बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि आप उसे रीयूज कर सकें और आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े जो आपने इसे फर्स्ट टाइम क्रिएट करने में की थी. उम्मीद करता हूं कि आप क्विक पार्ट्स के बारे में जान चुके होंगे. अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिंबल के ग्रुप को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक अल्लाह हाफिज.